नमस्कार, आज हम गिलोय का काढ़ा बनाना जानेंगे, सीखेंगे कैसे गिलोय का काढ़ा बनाएं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये है गिलोय। एक डंडी की तरह होती है ये, और ये एक लोगों के लिए इतनी बड़ी, अगर आप दो लोगों के लिए बनाना है तो इतनी ही बड़ी दो डंडी लेनी होगी। और देख रहे हैं ये जो लेयर है इसकी, इसको ऊपर से हटाना है। ये ग्रीन ग्रीन जब दिखने लगे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। देखेंगे ये जब छीलने के बाद इस प्रकार की दिखती है, इस तरह से इसको छील देंगे और इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काटेंगे। इसको काटने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। मिक्सी के जार में डाला इसको, और ये कुछ 8-10 हैं तुलसी के पत्ते, हमारे पास तुलसी के पत्ते हैं, और छोटा सा पीस अदरक का, इतना बड़ा पीस अदरक का लेंगे और इसको भी हम एक साथ जार में डालेंगे। देखते जाएं हम किस प्रकार बारी बारी से चीज़ों को बता रहे हैं और आप लोग समझते जाएं। ये लौंग हैं, दो लौंग एक लोगों के लिए अगर बनाना है तो दो लौंग का यूज़ करेंगे, और दो काली मिर्च, इसमें हमारे पास 4 लौंग और 4 काली मिर्च हैं। इसको भी हमने एक साथ मिक्सी के जार में डाल दिया। थोड़ा सा हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी को मिक्स किया और इसको हमने लगा दिया मिक्सी के जार में, मिक्सी में। और अब ये जो है पूरा पिस गया है। अब इसको देखिए, ये इस प्रकार से छोटा छोटा एकदम बारीक हो गया है। अब हम डालेंगे एक ग्लास पानी पैन में, और एक ग्लास पानी डाला, गैस को जला के, और ये जो भी जितना भी है इसको सब को हम एक साथ पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसको हम उबलने देंगे, और ये जब आधा रह जाए, एक ग्लास पानी डाला है और ये एक ग्लास से आधा ग्लास रह जाए, तब ये पीने लायक। इसको थोड़ी देर बाद उबलने के बाद हम एक प्लेट से ढकेंगे। तो अभी इसको उबलने देते हैं, तो कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गिलोय बहुत ही चर्चा में है कुछ एक साल से, तो गिलोय के बारे में सभी लोग जानते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों को एक संतुलन में बना करके रखती है। तो इसका एक नाम और भी है जो कि है अमृतिका, यानी कि अमर, जैसे कि नाम से हम जानते हैं अमृत, अमृत के समान ये है, ना ही मरती है और ना ही किसी को मरने देती है। ये सूख भी जाती है फिर भी ये नष्ट नहीं होती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जब ये जाती है तो हमारे शरीर में जाकर के अनेकों लाभ, अनेकों फायदे हैं इसके, और हमारे शरीर में जाकर बहुत लाभ देती है। तो मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद, तब तक ये काढ़ा हमारा तैयार हो रहा है, पीने के लिए रेडी हो जाइए आप सभी अपने। आए तो हमारा काढ़ा ये हो गया है तैयार, और अब हम इसको छान करके एक ग्लास में कर रहे हैं। बस इतना सिंपल है ये बनाना। ये देखिए हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल तैयार होकर के इंतजार है कि हमें कोई पिए और लाभ उठाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, बेल आइकन करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।